Welcome back to the channel. I hope you are doing good. We have only 20 minutes to catch the ferry, or you can say cruise. So I will explain you everything later. Let's go. आज मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा एक्साइटेड भी हूँ. इसका रीज़न ये है कि मैं पहली बार क्रूज़ में ट्रैवल करने जा रहा हूँ. ये मेरा एक छोटा सा ड्रीम था क्रूज़ में ट्रैवल करने का. तो 2.5 आवर की जर्नी है. हेलसिंकी से तालिन जा रहे हैं हम लोग. मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ. तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. मैं आपको एक छोटा सा चलता फिरता शहर दिखाऊंगा पानी के ऊपर चलता हुआ. तो आप वीडियो एंड तक देखो. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आएगा. मैं पहले सिक्योरिटी चेक करवा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं. सो आज मैं जा रहा हूँ तालिन, एक इस्तोनिया नाम की एक छोटी सी कंट्री है फिनलैंड के बिल्कुल पास में. तो हम एक्चुअली मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, अपने दो तीन फ्रेंड हैं जो साथ में पीएचडी कर रहे हैं, कोई वॉइस ओवर कर रहा है. तो उनके साथ जा रहा हूँ अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए. और ये 2 आवर लगता है हेलसिंकी से तालिन जाने के लिए क्रूज में. और हम लोगों ने जो टिकट ली वो है 35 यूरो. ये क्रूज़ के पीछे का एरिया है पूरा खाली छोड़ा हुआ है. तो अगर आपको अंदर सीट नहीं मिलती तो आप बाहर आके एंजॉय कर सकते हैं. तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा है. ओ भाई रे, तो घना सोना बना रखा है. क्या बोलते हो, लग रहा है ना पूरा एक मॉल में घूम रहे हैं. यहाँ पे आपको सब फैसिलिटी मिलेगी, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, सब मिलेगा. गेम्स खेलने के लिए मिलेंगे, छोटे बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बनाया हुआ है. यहाँ पर आपको खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, काफ़ी रेस्टोरेंट है, बट उनका प्राइस ऑलमोस्ट डबल होगा बाहर के कंपेयर में. इसमें भी वैसा ही कुछ सीन है जैसा फ्लाइट में होता है, इकोनॉमी क्लास, फर्स्ट क्लास. तो जितना आप पैसा खर्च करोगे उतनी फैसिलिटी आपको मिलती जाएगी, उतना अच्छा स्पेस मिलेगा आपको बैठने के लिए. अगर आप नॉर्मल टिकट भी लेती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मली बैठने की जगह तो मिल जाएगी. और वैसे भी इसमें 3-4 फ्लोर हैं, तो 2 घंटे की जर्नी है, इतना तो आपको देखने में टाइम निकल जाएगा. तो जनाब 2 घंटे की राइड खत्म होगी, अभी जा रहे हैं सब अपना झोला उठा के. वेलकम टू इस्तोनिया. टाइम हो गया अराउंड 6:30 और समथिंग. 2 आवर लगा हेलसिंकी से इस्तोनिया आने में, तालिन आने में, जो इस्तोनिया की कैपिटल है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट लगेगा पैदल जाते जाते. ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैम है, इसकी टिकट आप ड्राइवर से भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा, ड्राइवर से जैसे 2 यूरो पड़ेगा 1 आवर के लिए. तो आप अगर ऑनलाइन लेते हैं तो 1.20 यूरो में आपको टिकट मिल जाएगी. ठंड की वजह से सर दर्द हो रहा था, घूम गए आराम से सामान वाम लगा, 1/2 आवर आई थिंक रेस्ट किया. अभी जा रहे हैं बाहर थोड़ा नाइट लाइफ को इन्जॉय करने और डिनर करने. अभी हम आ गए हैं सिटी में, सिटी के बिल्कुल सेंटर में. मैं आपको कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा अच्छे से. अभी हम एक्चुअली खाना खाने के लिए और थोड़ा नाइट पार्टी के लिए आए हैं. खाना अच्छा था तो 4 यूरो में मेरे को वेज रोल मिल गया. ये खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने होटल में. वेदर अभी थोड़ा अच्छा हो गया है, जब हम खाना खा रहे थे उस टाइम बारिश आ रही थी. ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये पूरी मार्केट है, फ्लावर मार्केट, फ्रूट मार्केट. तो आप यहाँ से कुछ खाने का ले सकते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए. बहुत मज़ा आ गया खाना खा के. अब
वेजिटेरियन खाना आपको कहीं भी मिल जाता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है थोड़ा। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और बार वगैरह मिल जाएंगे आपको, खाने के बहुत ऑप्शन मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है तो भर भर के ऑप्शन है आपके पास। तो अभी आ गए होटल में, खाना खा लिया, थोड़ा घूम लिए, टाइम हो गया अराउंड 11:30। जो होटल हमने लिया है वो 8th फ्लोर पे है, सो टॉप व्यू खतरनाक है पूरी सिटी का। भाई साहब तीन ट्यूबलाइट लगाई हुई है इसमें। तो ओके, तो सीन ऐसा है कि इस बार मैं काउच सर्फिंग नहीं कर रहा हूँ, हम लोग होटल में रुके हुए हैं, एक अपार्टमेंट टाइप का है जिसमें 3 रूम है और 5 बंदे हम रुके हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप काउच सर्फिंग कर सकते हैं, मैंने चेक किया था, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, इजीली रूम मिल जाएंगे। तो कल हमारा प्लान ऐसा है कि शायद हम एक गाइड टूर के थ्रू पूरा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, बाकी देखते हैं अगर कुछ प्लान चेंज हुआ तो। अभी तो पूरी रात बाकी है और हम देखेंगे क्या क्या जगह घूमने की है इस सिटी में। बाय द वे जिस होटल में रुका हूँ, 1 नंबर, कल मॉर्निंग में डिटेल में दिखाता हूँ। गुड नाइट।